मेरा नाम दीपांश है। मेरा मम्मी के पैर टूट चुके हैं। मेरा मम्मी छोटा सा होंगे, मेरे पापा ये छोटे से डेट हो गए हैं, हमको जन्म देते हैं जब डेट हो गए। मेरा कोई नहीं है, मैं अपना कितनी बेचना चाहता हूँ। मैंने क्या आप कहाँ के हो, क्या है नहीं है सब बताओगे ना ग्रुप में। बचपन में पिता का साथ छूट गया, लेकिन अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। ये कहना है रांची के एक होटल में काम करने वाले किशोर दीपांशु कुमार का। दीपांशु मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला है। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए। माँ ने किसी तरह से मजदूरी कर पाला, लेकिन माँ की परेशानी को दूर करने के लिए दीपांशु रांची आ गया और एक होटल में काम करने लगा। इसी दौरान माँ के पैर टूटने की सूचना मिली, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का समुचित इलाज करा सके। पैसे के अभाव में जब उसकी माँ का इलाज रुक गया, तब उसने किडनी बेचकर पैसे जुटाने की सोची। दीपांशु पर अपने घर की जिम्मेदारी है, उसकी एक बहन भी है। दीपांशु किसी होटल में काम करके परिवार का खर्च चलाता है। रिम्स के न्यूरोसर्जन विभाग में सेवा दे रहे डॉक्टर विकास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और बताया कि कैसे एक नाबालिग बच्चा अपनी किडनी बेचकर मां का इलाज कराना चाहता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दीपांशु अपनी किडनी बेचने को तैयार है। डॉक्टर विकास ने उसकी पूरी बात सुनी और मदद का भरोसा भी दिया। डॉक्टर विकास ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टैग किया है। उन्होंने लिखा, गरीबी और मजबूरी की चरम सीमा तो देखिए, एक बच्चा आज अपनी माँ के इलाज के लिए किडनी बेचने गया। घर में माँ और बहन है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह किसी होटल में काम करता है। एक सज्जन व्यक्ति ने उसे हमारे बारे में बताया तथा हमारी टीम ने उसे समझाया कि इतनी किडनी बेचना एक दंडनीय अपराध है। हमने उसे भरोसा दिलाया कि वह रिम्स रांची आता है तो निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे।